हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। उत्तर भारत में रिकॉर्ड तोड़ ठंड ने जनजीवन पर ब्रेक लगा दिया है। लद्दाख की द्रास घाटी से लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है। पारा यहां रोज नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है। दुनिया के दूसरे सबसे सर्द रिहायशी इलाके द्रास में पारा -20 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच चुका है। वहीं दिल्ली की बात करें तो शनिवार को पारा 1.7 डिग्री तक गिर गया। राजस्थान के शेखावटी में न्यूनतम तापमान -4 डिग्री रहा। वहीं उत्तर भारत के प्रमुख शहरों लखनऊ, अमृतसर, चंडीगढ़, भोपाल, पटना सभी जगह लोग जो है सर्दी से ठिठुर रहे हैं। ये सर्दी आ तो गई है लेकिन कम होने का नाम नहीं ले रही। तो देश की राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सर्द और हड्डियों को जमा देने वाली हवा की वजह से लोगों का घर से निकलना भी दूभर हो गया है। दिल्ली में ठंड ने 118 साल का रिकॉर्ड जो है तोड़ दिया है। एक डिग्री का टॉर्चर सफदरजंग एनक्लेव में 2.4, पालम में 3.1 डिग्री तापमान, दिल्ली के आया नगर में 1.9 डिग्री रहा तापमान, लखनऊ में 3.5 डिग्री पहुंचा पारा। 1901 के बाद पड़ रही इतनी ठंड, टूट गया 118 साल का रिकॉर्ड। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कई शहरों में पारा शून्य के करीब पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली में ठंड ने पिछले 120 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लोधी रोड में आज सुबह का तापमान 1.7 डिग्री तो आया नगर में 1.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2-3 दिन ऐसे ही हालात बने रहेंगे। इसके अलावा 31 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच दिल्ली में बारिश की भी संभावना है। पूरे देश की बात करें तो उत्तर भारत में कहीं भी ठंड से राहत नहीं है। लखनऊ में तापमान 3.5 डिग्री पहुंच गया। ठंड से मध्य प्रदेश भी ठिठुर रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री रहा। वहीं जम्मू में तापमान 6.2 डिग्री रहा। पंजाब को भी ठंड से राहत नहीं मिल रही। अमृतसर का तापमान 4.7 डिग्री, चंडीगढ़ का 5.1 डिग्री दर्ज किया गया। इस बार खास बात यह है कि इस बार पहाड़ी राज्यों की तुलना में दिल्ली और यूपी में ज्यादा ठंड पड़ रही है। शिमला का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री रहा, जबकि राजस्थान के चूरू का तापमान -5.8 डिग्री पहुंच गया। श्रीनगर के लोगों को भी कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। यहां का न्यूनतम तापमान -6 डिग्री दर्ज किया गया। श्रीनगर की मशहूर डल झील के एक हिस्से पर बर्फ की परत जम गई है और लोगों को पानी की दिक्कत है। हिमाचल प्रदेश के लाहौर स्पीति में भी जमा देने वाली ठंड पड़ रही है। पारा -15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार के कई शहरों में भी तापमान 5 डिग्री के नीचे है, जिससे लोगों का आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। राजस्थान में कड़ाके की ठंड, माउंट आबू में कई जगहों पर नालों पर जमी बर्फ की परत जम गई है। मैदानों पर भी जम गई ओस, पार्क में लगे फाउंटेन भी जम गए हैं। राज्य के कई और शहरों में भी पारा शून्य के करीब पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में
दिल्ली और पूरे देश में तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग ने लोगों से सावधान रहने को कहा है। दिल्ली में जगह जगह बने रैन बसेरों में प्रशासन की ओर से गद्दे और कम्बल के इंतजाम किए गए हैं। इसका मतलब साफ है, इस नए साल में नए साल का स्वागत स्वैग से नहीं बल्कि सर्दी के साथ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV। तो यूपी में तापमान लगातार गिरता जा रहा है और बढ़ती शीतलहर से लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। जी हाँ, कड़ाके की ठंड की वजह से सूबे में पिछले 24 घंटों के दौरान कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। मंगलवार तक पूरे प्रदेश को राहत की उम्मीद भी नहीं है। ये ठंड है प्रचंड, पूरे यूपी में सर्दी का कहर। कई दिनों के बाद भी नहीं मिली राहत। लखनऊ से झांसी तक लोगों का बुरा हाल। मुरादाबाद से आगरा तक अलाव का सहारा। ठंड से अस्पतालों में बड़ी मरीजों की भीड़। सर्दी से फिलहाल राहत की नहीं है उम्मीद। पूरे यूपी में इस बार ठंड सारे रिकॉर्ड तोड़ती नजर आ रही है। बीते दिनों पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के बाद उधर से आ रही बर्फीली हवाओं की वजह से प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। गलन भरी ठंड और कोहरे की कहर से प्रदेश में कई लोगों की मौत हो चुकी है। राजधानी लखनऊ में तापमान 3.5 डिग्री पहुँच गया है। यहाँ ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त है। दिल्ली से सटे नोएडा में भी लोग घर से कम ही निकल रहे हैं। मेट्रो और सड़कों पर भीड़ कम है। कानपुर के हैलेट अस्पताल में सर्दी के कारण कई मरीजों को भर्ती कराया गया है। जानलेवा सर्दी के कारण कई लोगों ने दम भी तोड़ दिया। ठंड बहुत जबरदस्त हो रही है, घर से निकलने के लिए क्या, अरे गीजर के गर्म पानी नहाते हैं, कपड़े पहनने उतारने में आधा एक घंटा लग जाता है। जॉब के लिए बहुत परेशानी हो रही है, और 5-10 मिनट के अंतर में आना है, नहीं बस छूट जाएगी। ड्यूटी करने में बहुत दिक्कत हो रही है। किस तरीके से निकल रहे हैं, कानों को रस्सी के कैसे निकल रहे हैं? मफलर लगा रहे हैं, कैप पहने हुए हैं और दस्ताने देखिए, अंदर इनर पहने हुए, 3-3 कपड़े पहने हुए हैं। आज कोहरा तो नहीं है, गलन बहुत है। गलन बहुत पड़ रही है, गलन बहुत है, सुबह शाम बहुत जबरदस्त गलन है। बाबूजी हम लोग तो रिक्शा चलाते हैं, इस समय बहुत ठंडी गलन हो रही है। बिना आगे के कोई सा काम नहीं बनना, लेकिन हम लोग को दो रोटी कमाना है तो इस हमारे घर से निकल पड़े। अंगूठा भी बांधे हैं, टोपा भी लगाए हैं, लेकिन हाथ पैर गल ही रहे। प्रयागराज में लोगों को राहत नहीं मिल रही। यहाँ सड़क पर आवाजाही कम है और जरूरी होने पर ही लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। ताजनगरी में सर्दी के कारण पर्यटकों की आवाजाही कम हो गई है, जिससे लोगों की रोजी रोटी पर भी संकट आ गया। सर मैं भी भगवान टाके से आ रहा था तो गाड़ियों की जो इंडिकेटर होते हैं वो तक नहीं दिख रहे हैं। इतना फॉग था कि आगरा में सोचा भी नहीं था इस बार इतनी गर्दी सर्दी पड़ेगी। और सर सर्दी बहुत भीषण है, गरीबों को क्या हाल हो रहा होगा समझ में नहीं आ रहा। सर कोहरा तो बहुत ही भयंकर है कि गाड़ियों की लाइट भी नहीं दिख रही। तो अभी जो गाड़ी चला के लाए थे दिक्कत हुई थी? सर बहुत दिक्कत हो रही थी, इंडिकेटर और एंड पार्किंग लाइट जलाते हुए पूरी लेके आनी पड़ी है राजा मंडी तक। पीतल नगरी मुरादाबाद में जगह जगह अलाव जलाया गया है। झांसी के लोगों का भी सर्दी से हाल बुरा है। सर्दी के कारण यहाँ भी ऊनी कपड़े और हीटर की डिमांड बढ़ गई है। श्रावस्ती की बात करें तो लोग कह रहे हैं कि ऐसी सर्दी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी। तराई जिले लखीमपुर खीरी में भी सर्दी कहर ढा रही है। बागपत की बात करें तो यहाँ दफ्तरों और बाजारों में आम दिनों की तुलना में कम ही लोग दिख रहे हैं। इसके अलावा ललितपुर, बाराबंकी और संभल में भी लोग कह रहे हैं कि ये ठंड तो प्रचंड है। कई जगह प्रशासनिक अधिकारी रैन बसेरों का निरीक्षण कर रहे हैं और कंबल बांटे जा रहे हैं। जगह जगह अलाव भी जलाए गए हैं, लेकिन सर्दी से राहत तभी मिलेगी जब मौसम मेहरबान होगा। अभी तो सब लोग यही कह रहे हैं कि बहुत सर्दी है भाई। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।
कड़ाके की ठंड के बाद भी यूपी के बेसिक और जूनियर स्कूल तो बंद हो गए हैं, लेकिन कथित अच्छी शिक्षा देने का दम भरने वाले प्राइवेट स्कूल ठंड और प्रशासनिक आदेश को नजरअंदाज कर अभी भी खुले हुए हैं। जी हां, यूपी में अभी भी जिलों में प्रशासनिक आदेश नहीं मिलने के कारण कई स्कूल खुले हुए हैं। बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता भी स्कूलों की इस मनमानी से परेशान नजर आ रहे हैं। ठंड ने तोड़ा 118 साल का रिकॉर्ड, मासूम बच्चों पर सर्दी का सितम, प्रशासनिक आदेश की धज्जियां उड़ा रहे स्कूल संचालक, कड़ाके की ठंड में स्कूल जाते मासूम। ठंड ने 118 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, पारा लगातार गिरता जा रहा है। प्रशासन ने कड़ाके की ठंड को देखते हुए स्कूलों को बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं, लेकिन कुछ स्कूल खुले हैं। स्कूल संचालक प्रशासन के आदेश की भी नाफरमानी कर रहे हैं। स्कूलों की छुट्टी न होने से बच्चे और अभिभावक बेहद परेशान हैं। AQI भी खतरे के निशान से ऊपर 383 पर पहुंच गया है। ठंड से बचने के लिए लोग गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा ले रहे हैं। आसपास के जिलों में स्कूलों ने छुट्टी घोषित कर दी है, लेकिन ग्रेटर नोएडा में अभी भी स्कूल खुले हुए हैं। जिले में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स ने छुट्टी के लिए कई बार ट्वीट भी किया है, लेकिन प्रशासन कोई सूद नहीं ले रहा। वहीं सहारनपुर में DM के सख्त निर्देश के बावजूद शुक्रवार को भी कई स्कूल खुले रहे, जबकि शुक्रवार का दिन काफी संवेदनशील माना जा रहा था। धड़ल्ला के साथ अधिकारियों की आंखों के सामने से स्कूल बसें गुजरी। ठंड में बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए DM ने अग्रिम आदेश तक स्कूल और कॉलेजों में अवकाश के निर्देश दिए हुए हैं। जिला विद्यालय निरीक्षण ने DM के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश स्कूल संचालकों को दिए थे। अधिकारियों ने सभी परीक्षाओं को स्थगित करने को कहा था। शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रहने के साथ ही CA और NRC के विरोध को लेकर संवेदनशील भी था। इसके बावजूद शहर में कई स्कूल खुले हुए मिले। श्रावस्ती में भी कड़ाके की ठंड के बीच सरकारी स्कूल के कई बच्चे सुबह सुबह स्कूल जाते दिखे। दिल्ली से सटे नोएडा में स्कूल खुले हैं और बच्चे ठंड के थपेड़े खाने को मजबूर हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों के अभिभावक प्रशासन की अनदेखी से परेशान है। देखिए, सर्दी इतनी पड़ रही है, बच्चे जब सुबह के समय स्कूल के लिए जाते हैं तो जो ठंडी हवाएं, उनकी वजह से बच्चे आगे घर में बीमार पड़ जाते हैं। कई बार मेरे खुद के, अगर मैं अपने बेटे की बात करूं तो उसे उल्टियां लग चुकी हैं। स्कूल से मैंने कई बार बोला, मेरा बेटा छुट्टी क्यों नहीं पड़ रही, कहता है पापा छुट्टियाँ नहीं पड़ रही हैं। मतलब खाली मेरा ही बेटा नहीं, जो भी छोटे बच्चे हैं उनके साथ में सर्दी का तो है ही है। इसके तहत कम से कम जो हमारा प्रशासन है उसे ये आदेश कर देने चाहिए कि जो भी इतनी सर्दी के अंदर बड़ों को इतनी दिक्कतें हो जाती हैं, दूसरा वायु प्रदूषण इतना बढ़ जाता है इस समय में, क्योंकि हवा चलती नहीं है और जब चलती है तो इतनी ठंडी होती है और शीतलहर की वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। नमूनिया की दिक्कत हो जाती है, नज़ला जुकाम हो जाता है, उसके साथ सिर दर्द बच्चे बताते हैं कि सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है पापा, अब उसमें क्या करें। दोनों को जी बच्चों को बल्कि ज़्यादा उठानी पड़ती है। किस तरीके की दिक्कतें आती हैं? अरे सुबह को बच्चों को उठाना, फिर उनको उसी तरीके से तैयार करना ठंड के मौसम में, फिर जो रास्ते हैं देखो, चाहे वो गाड़ी में बच्चा आ रहा है, मैं अपने बच्चों को बाइक से छोड़ता हूँ, हवा तो लगती है, ठंड तो लगती है, मुझे ही लगती है इतनी, मेरी आंखों में पानी आ जाता है सुबह। क्या लगता है कि यहाँ नोएडा में बच्चों के लिए कुछ दिनों की छुट्टी देनी चाहिए? बिल्कुल देनी चाहिए, हम तो चाहते हैं इस चीज को। नोएडा से सटे गाजियाबाद में जिला प्रशासन के आदेश अनुसार रविवार तक के लिए स्कूल बंद किए गए हैं। गाजियाबाद के DM अजय शंकर पांडे ने बताया कि अगर ठंड में कमी आएगी तो सोमवार से स्कूल खोलने के निर्देश जारी किए जाएंगे, लेकिन मौसम विभाग की सूचना से फिलहाल ठंड कम होने के हालात नहीं लग रहे। कि ठंड पड़ रही है और बच्चों का स्कूल जाना थोड़ा सा कष्टकारक है और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उचित नहीं है, इसलिए निर्णय लिया गया है कि जनपद गाजियाबाद की सभी शिक्षण संस्थाएं कल और परसों 2 दिन बंद रहेंगी और उसके बाद संडे है, कुल मिला के 3 दिन लगातार छुट्टियां हो जाएंगी। तो फिर सोमवार से मौसम अगर बेहतर रहेगा और अगर फोरकास्ट बेहतर रहेगी
तो फिर स्कूल खुलेंगे सोमवार से। यूपी में ठंड का असर लगभग एक जैसा है, लेकिन ठंड को लेकर प्रशासनिक आदेश और कार्रवाई अलग अलग। कई जिलों के डीएम ने ठंड शुरू होते ही स्कूल बंद करने के आदेश दे दिए थे, लेकिन कई जिलों के माननीय डीएम साहब 4 डिग्री से कम के तापमान में भी स्कूल बंद करने के निर्देश नहीं दे रहे हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है? क्या अलग अलग जिलों के डीएम साहब को ठंड का असर भी अलग अलग होता है, या फिर उन्हें स्कूली बच्चों की परवाह नहीं? वजह चाहे जो भी हो, लेकिन जिला प्रशासन को ठंड से टूटते बच्चों की सुध जरूर लेनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी। यूपी में ठंड का कहर जारी है। यूपी के कई इलाकों में घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी जो है वो बहुत कम हो चुकी है। तेज हवा और गलन ने लोगों की परेशानी और भी बढ़ा दी है। कानपुर, झांसी, लखनऊ, आगरा, मुरादाबाद की तस्वीर इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ठंड दूर करने के लिए लोग जो है अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। प्रयागराज, बागपत, संभल, नोएडा में ठंड से यातायात काफी प्रभावित हुआ है। प्रशासन ने जगह जगह अलाव की व्यवस्था की है, लेकिन ये व्यवस्थाएं भी नाकाफी साबित हो रही हैं, क्योंकि ठंड कुछ ज़्यादा ही है और ठंड का कहर और ठंड का प्रकोप जो देखने को मिल रहा है, इससे लोगों का घर से निकलना भी दूभर होता जा रहा है। ये 6 अलग अलग तस्वीर इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कानपुर, झांसी, ललितपुर, आगरा, मुरादाबाद और लखनऊ की ये तस्वीर है। अभी हम खड़े हुए नोएडा एक्सटेंशन पर। यहाँ पर आप हमारे पीछे देख सकते हैं गाड़ियाँ निकल रही हैं, बाइक सवार निकल रहे हैं इस कड़ाके की ठंड में। उनका घर से निकलना एक मजबूरी बन गया है। आप मेरे पीछे देखिए लोग किस तरीके से मुंह ढक कर बाइक से निकल रहे हैं, साइकिल सवार साइकिल पे हैं, ऑटो में हमारे पीछे देख सकते हैं गाड़ियाँ बैठी हुई हैं, किस तरीके से दुबकी हुई गाड़ियाँ हैं ये, और ऑटो में बैठी सवारी आप हमारे देखिए पीछे बैठे हुए हैं लगातार। आइए इन लोगों से कुछ बात करते हैं और पूछते हैं इस ठंड में। सर ये बताइए, बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है तो आप ऑफिस जा रहे हैं? हाँ जी, कपड़े ज्यादा पहन रहे ठंड के बचाव से, और क्या, गरीब आदमी हो, क्या कर सकते हैं इसमें? पड़ेगा, काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? सर आप क्या कहेंगे इस बढ़ती ठंड को लेके? बढ़ते ठंड में क्या कहना है, हमेशा ही ऐसे होता है, ज्यादा ठंड हो रही है। इस बार आपको पता है ये 118 साल का रिकॉर्ड टूटा इस बार कड़कड़ाती ठंड को लेकर। सरकार ने भी लगातार स्कूलों को बंद करते कर दिया है, और मौसम विभाग का कहना यह है कि आने वाले 2 दिनों तक कोई राहत नहीं मिलेगी। कैमरामैन राहुल के साथ मैं पड़ा दीक्षित, R9 टीवी। तो सर्दी ने पूरे देश को परेशान कर रखा है। आदमी तो आदमी, भगवान भी इस ठंड से परेशान है। भक्त उन्हें सर्दी से बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। भोपाल के संकट मोचन मंदिर में हनुमान जी और सभी देवी देवताओं को शॉल और स्वेटर पहनाया गया है। भक्तों का कहना है कि भगवान को सर्दी ना लगे, इसके लिए वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं। तो ठंड को लेकर हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।